Hello guys, let's begin with today's vocabulary session. I believe कि आपने पिछला वाला वीडियो अच्छे से कर लिया है. Now what I can suggest you saying is that कि जब भी आप consecutive days का स्टार्ट करें, फॉर एग्जाम्पल जैसे आज आप शुरू कर रहे हो ये वीडियो देखना, तो कोशिश करना कि पिछले जितने वीडियोस थे, जितने तो नहीं एटलीस्ट दो पीछे का है ना, वो आप एक बार और क्विकली गो थ्रू कर लो. ठीक है, आपने ऑलरेडी 10 मिनट की वीडियो देख ली है, आपने ऑलरेडी अपना भी 10 मिनट लगाया होगा उसको समझने में, दोबारा रिवाइज करने में, सेंटेंस फॉर्म करने में, तो आपने टाइम तो काफी लगा दिया है. तो आपको अगर मतलब 5 मिनट भी आप एक पर्टिकुलर वीडियो को दोगे ना, जस्ट गो थ्रू कि हाँ ये था, इसका ये मीनिंग था, ये था, इसका ये मीनिंग था. इफ यू गोना डू दैट, आई थिंक इट्स गोना बी वेरी यूजफुल एंड कैन हेल्प यू रिटेन, क्योंकि रिटेंशन धीरे धीरे कम होती जाएगी जैसे हम आगे बढ़ेंगे ना. आगे आप देखोगे, आप खुद ही फेस करोगे ये चीज. ठीक है, अभी तो हम एडियम्स एंड फ्रेजेस पे ही हैं. अभी हमारे पास रूट वर्ड्स है, फ्रेजल वर्ब्स है. ठीक है, वी हैव सिनोनिम्स, वी हैव एंटोनिम्स, वी हैव डिफिकल्ट वर्ड्स. ये सारी चीजें जब हम करते जाएंगे ना, तो आप ना धीरे धीरे भूलते जाओगे पुरानी चीजें. तो व्हाट आई रेकमेंड यू गाइस इज कि जब भी आप कोई न्यू वीडियो स्टार्ट कर रहे हो, वॉच आउट करना. तो प्लीज कोशिश करेगा कि आपकी जो लास्ट दो वीडियोस है, 5-5 मिनट देके आप एक बार उसको गो थ्रू जरूर कर दो. लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट इडियम फॉर द डे, व्हिच इज गोइंग टू बी इट टेक्स टू टू टैंगो. इट टेक्स टू टू टैंगो का मीनिंग होता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती है. एक्शंस और कम्युनिकेशंस नीड मोर देन वन पर्सन. अगर आप कुछ कर रहे हो तो अकेला बंदा तो नहीं कर सकता, एक हाथ से ताली नहीं बज सकती भाई. ठीक है, शी माइट हैव स्पोकन इल अबाउट मी बट इट टेक्स टू टू टैंगो, हेंस आई नो यू आर इन्वॉल्व्ड एज वेल. नेक्स्ट, किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, एक तीर से दो निशाने. टू अकम्प्लिश टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम. ठीक है, एक पत्थर मारोगे और दो बर्ड्स मर जाए, मतलब एक तीर से दो निशाना काइंड ऑफ. तो रीना अर्नड गुड ड्यूरिंग हर इंटर्नशिप एज वेल एज लर्न अबाउट द न्यूएस्ट सॉफ्टवेयर टेक. शी किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन. ठीक है, दो चीजों को एक साथ उसने अकम्प्लिश कर लिया है, साइमल्टेनियसली अकम्प्लिश कर लिया. मिस द बोट, मिस द बोट मतलब किसी तरह की अपॉर्चुनिटी या किसी तरह के चांस को मिस कर देना. समवन मिस्ड हिज और हर चांस, दिस इज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू प्रूव योर टैलेंट, टू नॉट मिस द बोट. देन यू हैव ऑफ द हुक. ऑफ द हुक का मतलब होता है टू एस्केप अ सिचुएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑब्लिगेशन और डेंजर. किसी एक ऐसे सिचुएशन से भाग जाना जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, जहां पे आपको होना चाहिए था, जो डेंजरस था. ठीक है, जो चीज आपको फेस करना चाहिए था, जहां पे आपको होना चाहिए था, वो चीज छोड़ के आप भाग गए अगर, तो उसको कहा जाता है ऑफ द हुक. शी ट्राइड हर लेवल बेस्ट टू सॉल्व द इश्यू बट वेंट ऑफ द हुक व्हेन शी कुडंट. गिव अप कर देना एक तरह से. पुशिंग अप डिजीज, पुशिंग अप डिजीज का मीनिंग है यूफेमिज्म फॉर डाइंग और डेथ. इफ यू टॉक टू मी लाइक दैट अगेन यू विल बी पुशिंग अप द डिजीज, मतलब तुम दावत दे रहे होगे अपने मौत को. इस तरह से बात करा या इस बर्ताव से मेरे से पेश आए तो मुझसे खतरनाक फिर कोई नहीं, मुझसे बुरा कोई नहीं हो सकता. उसके लिए यूज पुशिंग अप डिजीज. अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड्स. ठीक है, अ विजुअल इमेज, एक पिक्चर कई सारे शब्दों से बहुत ज्यादा गुना डिस्क्रिप्टिव होता है, ये कहना चाह रहे हो. ठीक है, यू लुक प्रिटी डिप्रेस्ड इन दिस पिक्चर. अ पिक्चर पेंट्स अ थाउजेंड वर्ड्स. नाउ कई बार ऐसा हो सकता है बच्चे आपके साथ कि अ पिक्चर पेंट्स की जगह अ पिक्चर स्पीक्स लिखा हो. कंफ्यूज मत होना, वो बात सेम ही कह रहा है, थोड़े इधर उधर के वर्ड्स डिफरेंटली यूज करे जा सकते हैं, करे जाते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. ये मत समझना कि वो इडियम ही गलत लिखा गया है या कुछ और मीनिंग है और समथिंग, नहीं ऐसा नहीं है. बात वो सेम ही कर रहा है, बस एक वर्ड को सिनोनिमस किसी और वर्ड से रिप्लेस कर दिया है. ठीक है, तो परेशान मत होना एग्जाम में. राइट,
Piece of cake. A job, task, or other activity that is easy or simple. Fine. Let it be. If he took up this project, it must be his piece of cake. मतलब कि कोई ऐसा टास्क जो बहुत ज्यादा सिंपल है, मेरे बस की है करना, you know, something that is very simple and something that I can do very well. उसको कहा जाता है piece of cake. Once in a blue moon, again, widely used idiom. Once in a blue moon का meaning होता है, happens very rarely. कोई चीज जो बहुत ही rarely होता है. Once in a blue moon, you appear, spend time with us and disappear. ठीक है, ईद का चांद आप बोलते हो ना, ये वही है, ईद का चांद होना, this is the same thing. He or she is a big fish, मतलब being the boss or the leader. I got the contract of the CEO of the company. He is a big fish in this pond. A task might ease up. मतलब किसी बहुत बड़े लीडर, बहुत बड़े आदमी से यू नो बातचीत हो जाना, ठीक है, बड़े जल की मछली जिसको आप कहते हो, या बड़ी नदी की मछली, समथिंग लाइक दैट, ठीक है, किसी बड़े मछली को फंसाना, ठीक है, यू यूज दिस इन हिंदी, उसी को बोला जाता है दैट ही और शी इज अ बिग फिश इन द पॉन्ड. Spill the beans, मतलब किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, which is, we are throwing a surprise party for Anita's birthday. Do not spill the beans. ठीक है, किसी सीक्रेट को रिवील कर देना, खोल देना किसी बात को, उसको कहा जाता है spill the beans करना. Alright? Okay. Now I believe कि आज के लिए हमारे इतने सारे ही idioms बहुत थे. We will just go through once again. थोड़ा backward में चलते हैं. We have spilled the beans to reveal someone's secret. A big fish in the pond का meaning होता है कोई बहुत बड़े आदमी से बातचीत हो जाना. Once in a blue moon is ईद का चांद होना. Piece of cake बहुत ही easy task है activity. Picture paints a thousand word. एक visual picture कई सारे शब्दों से better चीजों को describe कर पाता है. Pushing up daisies मतलब भाई अपने मौत को दावत देना. Off the hook भाग जाना, ठीक है, अबंडन कर देना किसी, अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटेबिलिटी से भाग जाना, पल्ला छुरा देना, इज ऑफ द हुक. मिस द बोट अपना चांस या अपॉर्चुनिटी छोड़ देना. किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन इज एक तीर से दो निशाना मारना. इट टेक्स टू टू टैंगो इज एक हाथ से ताली नहीं बजती है. सो दिस इज गोइंग टू बी ऑल फॉर टूडे. काइंडली रिवाइज ऑल ऑफ दीज वंस एक एक बार प्लीज. Try to form new sentences with this particular idioms and see how it sounds. कैसा sentence बनता है आपका, ठीक है? मिलते हैं अगली वाली वीडियो में, which means हम कल मिल रहे हैं with another set of idioms and let's see हम कितना कर पाते हैं उसमें. Please revise करके आइएगा. आपके साथ I guess 3-4 videos अभी तक हो चुके हैं. Please go through all of them, revise all of them and come back tomorrow for some more. Okay? Bye and please take care.